डेरिवेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है nth डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव से हम लोग बात कर रहे हैं nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू इन दी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस अल्फा डॉट e रेज टू पावर माइनस अल्फा x की। ठीक है, तो इसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के साथ साथ हमें प्रूफ भी करना है नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि 1 माइनस एक्स इन दी ब्रैकेट वाई ऑफ एन प्लस 1 माइनस इन दी ब्रैकेट एन प्लस अल्फा एक्स डॉट वाई एन माइनस एन अल्फा वाई एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है, करके दिखाना है। ठीक है, जब एनए डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि ये सभी क्वेश्चंस जो अब से हम लोग बना रहे हैं आपके लिए, ये एग्जाम्स को ध्यान में रख के, जो अभी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिए, कुछ मिस मत कीजिए। चलिए अभी फिलहाल सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इन दी ब्रैकेट की होल पावर माइनस अल्फा डॉट e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। जो हमें गिवन है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा डॉट e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में एक बार। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, वी गेट, हमने इसको डिफरेंशिएट किया y को, तो जब y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा पहला डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू, पहले हम e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें माइनस अल्फा e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस अल्फा, चेन रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्लस इस बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा का, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फा, और क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन, एंड वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है, ये वन माइनस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, डॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टाइम्स अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस अल्फा प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टाइम्स अल्फा डॉट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स, हमने पावर्स को ब्रेक कर दिया, डॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी चीज करनी है, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन वन जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, है ना, और कुछ चीज हम देख रहे हैं हमें कॉमन मिल रही है, जैसे e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा, ये हमारे पास कॉमन है दोनों जगह पे, तो उसको कॉमन हम ले लेते हैं बाहर, यानी कि e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट 1 माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा माइनस टाइम्स अल्फा, और इधर से हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस टाइम्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने करना है क्या है, हमने बस एलसीएम ले लेना है, हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने से पहले एक छोटी सी चीज, ये वाले टर्म को ध्यान से देखिए जरा, ये टर्म हमारे इक्वेशन वन से मैच करता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये वाई हुआ, तो उसको लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, तो हमें इक्वेशन वन से क्या मिला, ये हमारा एक्सप्रेशन अब चेंज हो गया वाई, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स अल्फा, इस अल्फा की मल्टीप्लाई होगी इस 1 माइनस एक्स में, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखिए,
ये अल्फा से आपका ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा वाई अल्फा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, वाई वन के बराबर है, क्योंकि हम पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस एक छोटी सी चीज करनी है, हम लोग को वाई वन में मल्टीप्लाई कर देना है किसका, वन माइनस एक्स का, और इधर हमारे पास क्या रह गया, अल्फा वाई एक्स। अब हमें ये करना है कि हम लोग उसका एनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स वी गेट, अगर इसे हम एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वन माइनस एक्स, और जब हमने वाई वन को एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा वाई एन प्लस वन, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा एन सी वन, और अब हम एक्स वन माइनस एक्स का पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, और वाई एन प्लस वन का जब दूसरा डिफरेंशिएशन होगा घटते क्रम में तो ये रह जाएगा वाई एन इक्वल्स टू, ये इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारे पास में जो दूसरा वेरिएबल है वो जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये आगे नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे आर एच एस में जो हमारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, अल्फा को छोड़ देंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, वाई का एनर डेरिवेटिव हो जाएगा वाई एन, एक्स को हमने छोड़ दिया पहली बार में, दूसरी बार जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट टर्म में तो हो जाएगा एन सी वन, और ये हो जाएगा वाई ऑफ एन माइनस वन डॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास वन, तो ये भी इसके आगे नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा वाई एन एक्स प्लस एन सी वन का मीनिंग होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल डॉट वन फैक्टोरियल, ओके इट्स वन फैक्टोरियल नॉट लाइक दिस, और ये हो गया हमारे पास वाई ऑफ एन माइनस वन। चलिए अब ये इधर की भी बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे इस बार, वन माइनस एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन प्लस एन फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये माइनस टाइम्स होगा बच्चों क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस है तो उसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ओके अब हमारे पास हो जाएगा वाई ऑफ। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे पहले, देन नेक्स्ट लाइन में उसको फिनिश कर देंगे, वन माइनस एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस एन फैक्टोरियल, देखिए जब हम एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, सॉरी एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल, और क्या बचा आपके पास वाई ऑफ एन। सिमिलरली इधर क्या रह जाएगा आपके पास, अल्फा वाई ऑफ ऑफ एन सॉरी डॉट एक्स, और इधर भी हमारे पास क्या होगा एन डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक है, एंड वाई ऑफ एन माइनस वन। अब बच्चों आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, और वो छोटी सी चीज क्या है वो समझ लीजिए, आपको सारे टर्म्स को एक तरफ करना है, है ना, एक साइड लेके आना है, तो हमारे पास एन वाई एन, और जब हम इसे उठा के लाएंगे इधर, ठीक है, तो ये भी माइनस टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फा वाई एन एक्स प्लस नॉट प्लस, क्योंकि अब हम इस टर्म को भी लेके जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स एन वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब समझिए जो टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं जहाँ पे उसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वाई ऑफ एन प्लस वन वन माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए और वाई एन कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपके पास नहीं एन कॉमन नहीं ले सकते केवल वाई ऑफ एन हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एन प्लस अल्फा एक्स वाई एन माइनस एन वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक बार देख लीजिए, हाँ एक बार देखना क्या है, हम लोग छोटी सी मिस्टेक कर गए और हम लोग अल्फा को छोड़ते हुए जा रहे हैं बार बार, यहाँ पे अल्फा की मल्टीप्लाई होगी तो ये अल्फा यहाँ पे रहेगा आपके साथ, ठीक है, तो फाइनली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, तो ये क्या बचेगा हमारे पास में एन अल्फा वाई ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और यही बच्चों हमें
प्रूफ करना था, अभी देखेंगे पीछे हमने लिखा भी है इसको, हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट्स का आंसर दूँ। ठीक है, अभी मैं आपसे एक और नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और साथ ही बच्चों आप हमारे ब्लॉग को विज़िट करते रहिए www.matchtraders.blogspot.com। ठीक है, इस ब्लॉग का एड्रेस मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और ये आपको क्यों विजिट करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपके सारे मैथ्स के नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जाके टाइम से देख सकते हो, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको ब्लॉग पे मिलेगी रादर देन चैनल पे। तो ब्लॉग और चैनल आप दोनों उनके साथ बने रहिए। अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।